अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबका। तो जब भी टाइम हो चुका है जी सुबह का, तो अभी आके मैंने इनको दाना और इनकी ग्रोथ वाली फीड बाहर फेंकी है। इनको मैंने बाहर निकाला है, बाकी जो अपना वो मेल है जो नहीं आया था वो मेरा अभी अंदर ही है। उसका ये था कि वो उनसे डरता था, दूसरा वो बाहर नहीं था रहा, तो मैंने ना फिर यही किया, मैंने कहा यार इसको हम अंदर दाना डाल देते हैं, एक तो ये सुकून से खा लेगा और जो ये हैं इनको हम बाहर डाल देते हैं ताकि ये बाहर सुकून से खा लें। दूसरा अभी मैं आता हुआ ऊपर ये लेता आया था अपने रिंग, तो एक बार ये अच्छी तरह खाना खा लें क्योंकि अगर मैं अंदर ही आना तो मेल ने फिर डर जाना है, तो इसलिए भी मैं अंदर नहीं जाऊँगा। वो देखें वो फीमेल अंदर चले गई तो वो डर गया है, तो ये खा पी लें पानी वगैरह पी लें, उसके बाद फिर मैं ऊपर जाके ना इसको रिंग जो है वो पहना दूंगा। तो जी पानी जो है वो ला के मैंने दिया है डाल, तो अपना जो है ये सारे अब तकरीबन आ गए हैं अंदर। और यार कचरा इतना ज़्यादा हो चुका है ना, बस अब क्या करें, सफाई का जो है ना टाइम नहीं लग रहा। तो अभी ये है कि आज नहीं अब कल को ना इंशाल्लाह पक्की पक्की हमने यहाँ पे ना सफाई करनी है, तो हम इन सबको बाहर निकाल देंगे, अपने रैबिट्स भी बाहर निकाल देंगे, सबको खाना हम बाहर डाल लेंगे और अंदर अच्छी तरह एक बार सफाई कर लेंगे। क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा कचरा ना कि जब मैं नीचे जाता हूँ मेरे जूते के नीचे इतना कचरा लग जाता है कि पूरे घर के अंदर भी कचरा हो जाता है और फिर मुझे पड़ती है डांट। तो खैर अभी ये है कि हम इसको ना कल को अच्छी तरह सफाई करेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम दोबारा जो है वो गुजर जाए। तो खैर अभी मैं चाहता हूँ ऊपर जाके निकालता हूँ बेबी को बाहर और उसको रिंग पहनाने की कोशिश करते हैं, अगर पहना हो जाए तो, क्योंकि रिंग्स जो है वो मैं ले आया हूँ तो इसमें से मैं निकालूंगा अपनी एक नंबर, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 1 से लेकर 30 तक के रिंग्स हैं, तो जो एक नंबर अपना रिंग है वो निकाल के वो पहनाते हैं, तो फिर देखते हैं अपना कि हम कामयाब होते हैं या अभी टाइम है। तो जी रिंग जो है वो अपना हमने लिया है निकाल, तो ये है जी देखें ये लिखा हुआ है हमने ऊपर फादी एवरी और रिंग नंबर है जी हमारा 01। तो मैंने इससे ज़्यादा कुछ लिखवाया ही नहीं था क्योंकि मैंने ना मुझे ये था कि मेरे कौन से इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर ना ईयर नहीं था लिखवाया। तो खैर अभी जाते हैं ऊपर और जाके इसको पहनाते हैं हम। तो जी फाइनली अपना जो फर्स्ट रिंग है वो हमने दिया है पहना इनके बेबी को। बेबी जो है वो मैं भी आपको नहीं दिखा सकता, वो मैंने जब बड़ा होगा ना तभी दिखाना है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे से इस तरह ही हुआ था, मेरे पास कॉकटेल्स के बच्चे आए थे, मैंने इस तरह उसकी वीडियो बनाई लगाई और वो उसी दिन ही ना एक्सपायर हो गए, तो इसलिए मैंने बच्चा अभी नहीं दिखाना है, जब वो बड़ा होगा बाहर आएगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी जो मुझे लग रहा है ना वो लग रहा है कि अपने ना जो ये वॉयलेट है अपनी फीमेल जो है जो अपनी माँ है उसकी उस पर वो जाएगा, क्योंकि जो उसके पार आ रहे हैं ना वो अभी इस वक्त ब्लैक से हैं, तो ब्लैक विंग्स निकलने का मतलब ये होता है कि वो ब्लू कलर के हो जाने हैं और वो इस तरह का होगा, अगर तो होते ना वाइट वाइट से फिर तो उसने इसके जैसा होना था, क्योंकि निकल है वो इन दोनों में से एक है, तीसरी चीज़ नहीं निकल सकती, तीसरी चीज़ रेड आइज निकल सकती है लेकिन वो ब्लैक आइज है और ब्लैक आइज के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें ही निकल सकती हैं, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं निकल सकती है। बाकी जब मैं जाता हूँ बाहर इनको करते हैं बंद और वापस चलते हैं नीचे जाके करते हैं अपना नाश्ता। तो जब भी टाइम हो चुका है जी रात का, तो अभी मैं ऊपर आया हूँ और जी माशाल्लाह से अपने जो पिजन्स का बेबी है दूसरा वो भी आ चुका है, ये देखें अभी तो रोशनी नहीं है इतनी प्रॉपर इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट में फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी फ्लैश लाइट ऑन करने लगा था लेकिन जो है ना अपनी फीमेल वो ऊपर जाके बैठ गई थी, तो उस वजह से बच्चे जो है वो नहीं दिखा उन्हें, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से दोनों बच्चे जो है वो सही सलामत निकल आए हैं बाहर। दूसरा भी ये है कि जो मैं सुबह रिंग पहना के गया था ना बेबी को पैरट को, वो देखता हूँ ऊपर जाके कि वो रिंग पहना हुआ है कहीं उतर तो नहीं गया, वैसे मैंने आज देखा तो वो 16 दिन का हो चुका है तो रिंग उतरने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो जी रिंग जो है वो मैंने चेक कर लिया है, तो माशाल्लाह से रिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से पहन हुआ हुआ है, उतरा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो फिक्स हो चुका है, अब हमें नहीं उतारना पड़ेगा, यानी कि दोबारा पहनाना नहीं पड़ेगा, उतारना तो हमने क्यों ही है। तो खैर अब ये है कि अभी जाता हूँ नीचे जाके इनको पानी डालता हूँ। तो जी पानी जो है वो ला के मैंने दिया है डाल। बाकी जी अभी ना मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अपने ये डक्स हैं ना तीन, पहले तो ये थे ना कि दोनों फीमेल्स थी, तो अब तो इनके साथ मेल जो है वो आ चुका है, इनका पेयर जो है कंप्लीट हो चुका है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ना इनका कोई नाम रखें इन तीनों का, जो मुर्गियाँ हैं इनका तो नहीं, बाकी रैबिट्स जो हैं इनमें से भी मैंने कुछ रैबिट्स ना कम करने हैं, दो कम कर देने हैं, दो रख लेने हैं, तो बाद में फिर हम इनका कुछ हिसाब किताब लगाएंगे जिसके अंदर ना हम इनकी ब्रीड लेंगे। कभी मैं सोच रहा हूँ चार ही रखे रखें, कभी सोचता हूँ कि चले हम दो निकाल दें थोड़ा सा रश कम हो जाएगा, लेकिन खैर देखेंगे, तो फिर हम उस हिसाब से ना इनका भी नाम रखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमें पहले रखना है इन डक्स का नाम। तो अभी ये है कि कुछ सोचता हूँ तो अच्छे से नाम इनके बारे में सर्च करते हैं जो फिर हमें अच्छे लगेंगे, या फिर अगर आपको कोई अच्छे लगते हैं तो आप नीचे कमेंट कर देना, अगर वैसे मुझे कोई नज़र आएंगे मिल गए तो मैं इनका फिर रख दूंगा नाम। तो अभी सिर्फ एक तीन ये और चार ये इनका भी नाम रखना है, उसके बाद फिर हम बाकियों का देखेंगे कि अपने जो पैरट्स हैं और ये जो हैं इनका हमने क्या नाम रखना है और कैसे रखना है। बाकी जी ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का व्लॉग, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।